हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं नेक्स्ट मनी टेलर प्रेम कुमार मधुबनी बिहार। आज हम बात करेंगे क्लास 11th का बेसिक केमिस्ट्री, जो बेसिक केमिस्ट्री यानी कि जो है बेस बनाने का केमिस्ट्री बात करेंगे। जो क्या होता है, जब तक बेसिक केमिस्ट्री नहीं होता तब तक आगे केमिस्ट्री में कुछ समझ नहीं आता है। तो सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री समझना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक केमिस्ट्री के लिए हम दो वीडियो और अपलोड किए हैं, जाकर देख सकते हैं। और आपको सबसे पहले इसे समझने के लिए 1 से 30 तक तत्व के नाम आपको याद होना चाहिए। कम से कम 1 से 30 तक तत्व के नाम, उसकी परमाणु संख्या, उसके सिंबल, कम से कम 130 तक, यानी कि 1 से 30 तक जब याद रहेगा तब आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन तक आपके काम चला सकते हैं 1 से 30 तक के लिए। और इसे क्या होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए 1 से 30 तक के लिए, सबसे पहले जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होना चाहिए 1 से 30 तक के लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सबसे पहले ज्ञात करना सीख लें। इसके बाद आप जो है आईपीसी फॉर्मेट लिख सकते हैं, यानी किसी भी तत्व का नाम लिख सकते हैं, जो कौन सा या क्या नाम है, इसका क्या नहीं है। तो आईपीसी फॉर्मेट का सबसे पहले आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि आईपीसी का नाम हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब बात करते हैं आईपीसी फॉर्मेट क्या है, ठीक है। आईपीसी फॉर्मेट इसका मतलब होता है एक चार्ट होता है, जिसको पहले हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। इसे याद करने के सबसे पहले क्या है, 2° prefix प्लस 1° suffix और प्लस वर्ड रूट और प्लस 1° suffix, यानी कि 1° suffix माइनस 1° suffix प्लस, यानी कि प्लस माइनस 2° suffix। अब इस पर बात करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा हो गया क्या, तो देख सकते हैं यानी कि 2° suffix किसके लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जो है सो सब्स्टिट्यूएंट चेंज करने के लिए उपयोग करते हैं। और 1° जो है सो प्रीफिक्स किसके लिए उपयोग करते हैं, तो साइक्लो के लिए करते हैं। इसके बाद जो है सो साइक्लो यानी कि जो घेरा के लिए करते हैं। और वर्ड रूट किसके लिए करते हैं, तो 1 carbon meth यानी कि 2 carbon eth 3 carbon prop 4 carbon but 5 carbon pent 6 carbon hex 7 carbon heft 8 carbon oct 9 carbon non 10 carbon tin यानी कि डेट। अब बात करते हैं कि 1° suffix किसके लिए यूज करते हैं, तो 1° suffix किसके लिए यूज करते हैं, इसे सबसे पहले किसके लिए यूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा गया है, तो यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, कार्बन कार्बन जैसे सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच, तो हम एन का उपयोग करेंगे। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए इन का उपयोग करेंगे। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए इन का उपयोग करेंगे। अब हमारे ये हो गया जो है सो 1° suffix किसके लिए यूज करते हैं, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन का उपयोग करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए इन का उपयोग करते हैं, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए इन का उपयोग करते हैं। अब क्या हुआ, 2° suffix किसके लिए उपयोग करते हैं, तो 2° suffix जो हो गया हमारा वो क्या हुआ, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए हो गया, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो अब एक बार और रिवाइजिंग करते हैं इसका, जो है सबसे पहले यानी कि 2° prefix किसके लिए यूज होता है, तो सबसे पहले 2° prefix जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए यूज होता है, यानी कि पदार्थ के लिए यूज होता है। और यानी कि जो 1° suffix यानी कि 1° prefix किसके लिए यूज होता है, तो साइक्लो के लिए होता है। अब बात करते हैं वर्ड रूट किसके लिए यूज होता है, तो वर्ड रूट जो होता है सबसे पहले 1 carbon के लिए मिथ, 2 carbon के लिए इथ, 3 carbon के लिए प्रोप, 4 carbon के लिए ब्यूट, 5 carbon के लिए पेंट, 6 carbon के लिए जो है हेक्स, 7 carbon के लिए हेप्ट, 8 carbon के लिए ओक्ट, 9 carbon के लिए नॉन, 10 carbon के लिए डेथ होता है। अब बात करते हैं यानी कि 1° suffix किसके लिए यूज होता है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए होता है सो इन होता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए इन होता है। अब बात करते हैं जो हमारा यानी कि जो है सो 2° suffix किसके लिए यूज होता है, 2° suffix हो गया जो हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप हो गया, जिसके लिए यूज करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बारे में अगला जो है सो आगे पढ़ेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब बात करते हैं कि आईपीसी फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, किस तत्व का, जैसे देखिए जैसे CH4 देगा, इसका CH4 का नाम क्या है, आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। इसका जो है आईपीसी फॉर्मेट का पूरा नाम, आईपीसी का पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया। अब बात करते हैं आगे हमारा क्या है सो, अब बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम, जो कार्बन की परमाणु संख्या का बात करते हैं, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम। तो जैसे हो गया क्या, हमारा सबसे पहला ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है, इनकी जनरल फार्मूला का हिंदी में इसका नाम होता है सामान्य सूत्र होता है, हिंदी में होगा इसका नाम सामान्य सूत्र।
यानी कि जनरल फार्मूला का हिंदी क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है इसका जो है सो अल्काइल का क्या होता है जनरल फार्मूला CnH2n+2। तो इसे सबसे पहले क्या करना है, इसका नाम कैसे लिखना है, इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर एन लगाकर जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कौन सा यूज करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन का उपयोग करते हैं, आपको बताया इससे पहले बता दिए हैं। कार्बन कार्बन यानी कि कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या करेंगे हम एन का उपयोग करेंगे। तो कार्बन कार्बन क्या है हमारा, सबसे पहला देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है, यानी कि अल्काइल ग्रुप में क्या होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिथ है, तो इसके लिए कौन सा उपयोग करेंगे, एन यानी एन करेंगे, तो मिथेन हो गया ठीक है। अब मिथोन का इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अभी तक आप याद करते हैं मिथेन का होता है CH4, लेकिन इसे लिखेंगे कैसे, इसको आप बैठाते हैं CnH2n+2। तो CN पर देख सकते हैं इसको कैसे बैठाते हैं, तो CN हमारा कितना हो गया, तो CN कितना है आप देख सकते हैं। तो चलिए CN की बात करते हैं, तो हमारा जो हो गया C1, इसको H2N यानी कि H हो गया H2, N कितना है हमारा, N देख सकते हैं कितना दिया गया है, कार्बन कार्बन कितना डबल बॉन्ड के लिए कितना होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड CnH2N ठीक है। तो 2N के साथ क्या हुआ है, तो गुने 1 और प्लस 2 कितना हो गया इसका सी, यानी कि C1H4 हो गया, जिसको ऐसे लिख सकते हैं CH4 लिख सकते हैं, जो हमारा हो गया क्या हो गया CH4 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, इसको कैसे सजाएंगे, सजाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे, तो कार्बन कितना है हमारा, यानी कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो है ना पहला भाग गया। अब बात करते हैं दूसरा मिथ, इसमें कौन सा यूज करेंगे हम, तो एन उपयोग करेंगे यानी एन। अब मिथेन यूज हो गया, तो मिथेन के लिए सबसे पहले इसका जो जनरल फॉर्मूला बैठाएंगे CnH2n, तो सी के स्थान पर कितना है 2 है ना, तो CN2 यानी कि हो गया कितना यहाँ पर C2H2n2 और फिर सबसे पहले क्या होगा 2 और प्लस 2 यानी कि CnH2n2 यहाँ पर हो गया कार्बन, क्या मिथ हो गया कितने कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए हो गया, यहाँ पर कितना हो गया C2 यानी कि CN यानी कि C कितना है C2 है यहाँ पर, फिर 2 हो जाएगा CnH2n+2 C4 और H कितना हो गया H8 2 यहाँ पर देख सकते हैं 2×4+2 यानी कितना हो गया 2×4 यानी इसको तोड़ेंगे हम तो C यानी कि C4H6 हो गया हमारा। अब इसको जो तोड़ के लिखेंगे तो C4H6 हो गया। अब इसको कैसे सजाएंगे, सबसे पहले यानी कि कार्बन कितने हाइड्रोजन कितने हैं 6 है और कार्बन कितने हैं 4 है, इसको सबसे पहले ऐसे लिख देंगे जो है हाइड्रोजन कितना है मेरे पहले कार्बन कितना है 4 है और कार्बन जो है सो सबसे पहले कौन सा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो अब इसको कितना हाइड्रोजन की जरूरत 6 हाइड्रोजन सबसे पहले इस तरह से लिखते चलेंगे, यानी 3 इधर हो गया और 3 हाइड्रोजन इधर हो गया हमारा, या कहीं पर भी आप देख सकते हैं हमारा हाइड्रोजन कितना पूरा है 6 पूरा रहा है। अब बात करते हैं जो हमारा क्या हो गया नेक्स्ट हो गया क्या हमारा जो है सो प्रोप हो गया, तो प्रोप पर बात करते हैं। अब बात करते हैं 2 कार्बन के लिए कौन सा उपयोग होता है, मिथ होता है, तो यहाँ पर जो 2 नंबर हमारा क्या है मिथेन मिथाइल हो गया, तो इसको क्या लिखते हैं C2 यानी कि CN, तो C के स्थान पर 2 हो गया, 2 कार्बन के लिए इथ दिए हम तो C के स्थान पर 2 दे दिए और H2N, तो H के स्थान पर क्या देंगे H के स्थान पर पहले 2 देंगे और N के स्थान पर कितना है 2 है ना, पहले 2 इसके बाद यहाँ पर गुणा में लिखते 2 और प्लस 2 ठीक है। यहाँ कितना हो गया C2 यानी कि H कितना हो गया H6, 2×4 इसको लिखेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो गया 2×4 H+2 हो गया, कितना हो गया H6 हो गया ना, H6 हमारा हो गया। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको लिए सबसे पहले इसको सजाएंगे कैसे हम, संरचना सूत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हम यहाँ पर लिख दिए। अब हाइड्रोजन कितना है तो 6 है तो ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सजाते चलते हैं जो हाइड्रोजन है यानी कि जो है सबसे पहले कार्बन के बैलेंस से 4 होना चाहिए, बस हो गया हमारा देख सकते हैं यहाँ पर 2 कार्बन 2 कार्बन 4 2 6 कार्बन, इसके पास भी 4 यानी कि हाइड्रोजन है, इसके पास 4 भी हाइड्रोजन है, तो क्या है दोनों अस्थाई हो गया स्टेबल हो गया। अब बात करते हैं प्रोप, प्रोप के लिए कितना कार्बन है 3 कार्बन है, तो क्या लिखते हैं C3 और यहाँ पर लिख सकते हैं इसको CN, तो पहले यहाँ पर लिख सकते लिखते चल रहे हैं प्रोप किसके लिए होता है, तो 3 के लिए होता है ना, 3 कार्बन के लिए C3 यहाँ पर लिख देंगे और प्लस H2 यानी कि H2 गुने N का स्थान कितना 3 है ना और प्लस 2 तो लिखते चले कितना हो गया C3 3×6 2×8 हो गया H8 हो गया हमारा, जो हो गया क्या हो गया प्रोपेन के लिए कितना हो गया हमारा C3H8 हो गया। अब इसे हम कैसे सजाएंगे, तो सजाने के लिए सबसे पहले इसे जो लिखेंगे हम तो इस तरह से लिखते चलेंगे जो है यानी कि C3 तो कार्बन के बॉन्ड संयोजकता पहले 3 दे दिए, अब जो है सो हाइड्रोजन कितना है 8 है ना, तो हाइड्रोजन को चलते हैं इस
इस तरह से आप सजाते चलिए जो है सो। देख सकते हैं हमारा हाइड्रोजन यह क्या है सब, इसके पास भी चार पूर रहा है यानी कि ये भी चार हाइड्रोजन यानी कि जो है सो। सबसे पहले कार्बन कौन कितना बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। और हाइड्रोजन क्या बोलते हैं जो कार्बन स्टेबल कब होता है, जिसको बोलते हैं स्टेबल होने के सबसे पहले उसे चार हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देख सकते हैं एक दो तीन चार हो गया, इसके पास भी चार है, दो इधर से इसके पास भी चार है, क्या हो गया प्रोपाइल के लिए हमारा कितना हो गया C3H8 हो गया। अब बात करते हैं ब्यूटाइन के लिए, ठीक है। अब ब्यूटाइन किसे होता है जिसके लिए चलते हैं, अब चलिए आगे कोर्स चलते हैं जो हमारा हो गया। सबसे पहले ब्यूटाइन के लिए क्या होता है, AN लगा देना है इसमें, कितना होगा C4 यानी कि C के स्थान पर 4 देंगे प्लस H2 गुने कितना 4 होगा, यानी स्थान पर N के स्थान पर कितना है 4 है प्लस 2 होता है। इसके जनरल फार्मूला इस पर बना रहे हैं हम, तो CN H2N प्लस 2 तो कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं C4 कितना H2 यानी कि 4 × 8 प्लस 2 H10 हो गया हमारा, H10 हो गया। इसे कैसे लिख सकते हैं, कार्बन के लिए सबसे पहले 4 हो गया, चार कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड चार कार्बन दे दिए। हाइड्रोजन कितना है 10 है, तो हाइड्रोजन 10 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सबका जो है कार्बन का इसका भी वैलेंसी चार पूरा, इसका भी वैलेंसी चार पूरा, इसका भी वैलेंसी चार पूरा, इसका भी वैलेंसी चार पूरा है। अब बात करते हैं पेंटाइन की, तो पेंटाइन क्या हो गया AN इसमें लगाने के बाद यहाँ पर AN को बनाते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लेकिन क्या उपयोग करते हैं, तो N का उपयोग करते हैं। तो हमारा पेंटाइन हो गया, तो इसके लिए क्या करते हैं हम सबसे पहले, तो हमारा हो गया जैसे पेंटाइन, तो C5 यानी कि पेंटाइन 5 किसके लिए, 5 कार्बन के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो पेंट का उपयोग करते हैं, तो क्या हो गया C5। आप बनाएंगे नहीं, आप बना लेंगे खुद, इसके बाद देखिए नहीं कितना हो गया H2N, एस के स्थान पर कितना देंगे 2 देंगे और N का स्थान कितना देंगे 5 देंगे प्लस 2, तो देते चलिए कितना होगा C5 हमारा कितना हो गया H12 हो गया H12। आप इसको सजा लीजिएगा, आप उस क्रम में सजा लेते चलते सजाते चलिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं हेक्साइन की, हेक्साइन हमारा क्या हो गया यानी कि हेक्स कितने कार्बन के उपयोग करते हैं, 6 कार्बन के उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर C6 हो गया यानी कि CN के, N का स्थान पर कितना आ गया 6 हो गया N, यानी कि N हो गया क्या हो गया नंबर ऑफ कार्बन, यानी क्या हो गया नंबर ऑफ कार्बन हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं अब क्या हो गया हमारा सब H2N, तो H का स्थान पर 2 देंगे, N का स्थान पर कितना देंगे 6 देंगे प्लस 2 देते हैं, कितना हो गया यानी कि C6 हो गया हमारा। और इसके यहाँ पर देख सकते हैं इधर क्या हो गया 6 × 12 = 14 H14 हो गया हमारा, या क्या क्या निकल गया हमारा जो है सो हेक्सेन का फॉर्मूला निकल गया, हेक्सेन बराबर क्या होता है। अब हेप्टेन का क्या होता है, तो हेप्टेन के सबसे पहले कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले अलग फॉर्मूला है, यहाँ पर चलते हैं जो हमारा क्या है इस पर लगाते चलिए। तो क्या हो गया सबसे पहले C7 यानी कार्बन की संख्या कितनी है 7 है, तो कितना हो गया C7 यानी कितना CN, तो CN N का स्थान कितना है 7 है प्लस H2N, H का स्थान पर 2 गुण N का स्थान कितना है नंबर ऑफ कार्बन कितना है 7 है ना 7 प्लस 2 हमारा कितना हो गया देख सकते हैं C7 यहाँ पर देख सकते हैं 7 × 14 = 16 यानी कि H16 हमारा निकल गया। वो क्या निकला है, तो हमारा क्या निकला है पेंटेन निकला है। अब बात करते हैं ऑक्टेन का क्या बात, ऑक्टेन क्या होता है, ऑक्टेन का क्या होता है, तो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें 8 है, तो यहाँ पर क्या देंगे CN के स्थान पर 8 है तो 8 देंगे 8 प्लस H2N H2 × 8 प्लस 2, तो हम देखिए इसको कैसे लिखते हैं C8 और कितना हो गया 8 × 16 = 18 H18 इसका निकल गया। आप इसको सजा दीजिए किस क्रम में सजाए, तो इसे लिखेंगे यहाँ पर कितना है कार्बन 8 है तो कार्बन 8 देंगे 8 × 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 हो गया। और क्या है हाइड्रोजन कितने 18 है, तो हाइड्रोजन कितने देंगे 18 देंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 18 हाइड्रोजन देंगे। देख सकते हैं सब कार्बन का वैलेंसी हमारा कितना हो गया 4 पूर रहा है, इसका भी 4 हो जाता है 1, 2, 3 और 1, 4 हो गया, सभी का 4 पूरा है, इसका मतलब क्या है यह स्टेबल है यानी कि अस्थाई तत्व हो गया, अस्थाई जो है सबसे पहले। अब बात करते ऑक्टेन हो गया, अब बात करते क्या ऑक्टेन की, ठीक है, तो ऑक्टेन की बात करते ऑक्टेन हो गया, अब बात करते क्या हमारा जो 9 नंबर होगा क्या हो गया, अब 9 नंबर की ओर चलते हैं, जो 9 कार्बन के लिए कौन सा उपयोग करते हैं तो उस पर चलते हैं।
अब न कार्बन के लिए क्या नॉन हो गया, तो इसमें क्या लगाएंगे ए एन ई लगाएंगे, यानी कि ए एन ई। और न कार्बन के लिए सबसे पहले नॉन लिखते हैं, यहाँ कितना कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितना है, न है, तो सी एन के स्थान का सी का स्थान पर कितना देंगे, न देंगे। एच टू एन एच टू के स्थान पर, यानी कि एन का स्थान पर नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ के यह क्या है नंबर ऑफ कार्बन है, तो कितना हो गया यहाँ पर, यानी कि न हो गया और प्लस टू हो गया। तो देख सकते हैं कितना निकला है, यानी कि सी नाइन एन दून अठारह दो बीस एच बीस निकला है इसका। तो अब इसको सजा लीजिए, जिस क्रम में सजाए थे उस क्रम में सजा लीजिए। अब अगर डेथ हो गया तो इसको लिखेंगे क्या, डिथाइन लिखेंगे, ठीक है। डिथाइन का क्या हो गया, सबसे पहले फॉर्मूला इसको लिखेंगे सी एन एच टू एन प्लस टू, इसका बनाकर आप कॉमेंट बॉक्स में दीजिए। अब बात करते हैं इसे आगे को चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं।